नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी दोजी। दोजी जब ब्रेकआउट होती है उसके लॉजिक पे कैसे आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी एक स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी जिसपे काफ़ी सारे कमेंट्स आई थी, काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी। लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी थी और काफ़ी लोगों ने पैसा बनाना भी इसमें से स्टार्ट कर दिया है। वो स्ट्रैटेजी को थोड़ा ट्विस्ट करके एक और मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने खुद बनाई है। प्योर प्राइस एक्शन है जिसमें दोजी का लॉजिक होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो स्ट्रेटेजी समझाओ, सबसे पहले कोई भी वीडियो देख के कमेंट करना मत स्टार्ट करना। पहले लाइफ में थोड़ा अपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा डाल के ट्रेड करो, चीज़ों को टेस्ट करो, खुद कुछ रिस्क लो, बाद में वैलिड क्वेरी करना। मेरे को सिर्फ स्ट्रेटेजी देख के ये वर्क करेगा ये वर्क नहीं करेगा ऐसा होता ऐसा नहीं होता, वो सब थ्योरेटिकल चीज़ें होती है। घर इस तरह से नहीं चलता है, घर चलाने के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा बताए, निफ्टी फ्यूचर का मैं चार्ट ले रहा हूँ, चार्ट लेके वन वीक का चार्ट ले रहा हूँ मैं, वन वीक का। अब आप एक चीज़ नोट करना, जो जिन लोगों को बेसिक कैंडलस्टिक का नॉलेज होता है, जो दोजी कैंडल होती है, दोजी कैंडल वो क्या होती है कि इनडिसीजन वाली होती है, कोई उसमें ट्रेंड नहीं होता, कोई बायर सेलर का कोई प्रभाव नहीं होता। अब मैंने नोटिस क्या किया थोड़ा सेफ्टी करने के लिए, कि जो दोजी कैंडल होती है उसके आजू बाजू जो कैंडल बनती है उसका भी वेट करो। दोजी कैंडल का तो वेट करना ही है वीकली बेसिस पे, कि पूरे वीक कोई पावरफुल नहीं रहा, ना तो बुलिश ना तो बेरिश, ना तो बायर के हाथ में गया ना तो। उसके बाद जो कैंडल आती है उसका भी वेट करो, तो ये तो वेट करना ही है, अब इसका वेट करना है। और ये दूसरी कैंडल जहां पे ब्रेक होती है ऊपर या नीचे, वहां जाके ट्रेड लो। अब इसका लॉजिक क्या समझो, बहुत ही मस्त लॉजिक है। दोजी तो है इनडिसीजन, उसके बाद वाली कोई कैंडल आई, ठीक है, अब वो कैंडल लेट्स से के नीचे ब्रेक करती है, तो ये एक वीक हुआ, ये दूसरे वीक तक हमने राह देखी। अब दूसरे वीक के बाद जब ये कैंडल नीचे ब्रेक होती है, मतलब क्या हुआ कि पावर शिफ्ट हुआ पूरा नीचे की ओर, और या तो ऊपर ब्रेक होती तो क्या हुआ, पावर ओवरऑल शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ। तो यहां पे जो इनडिसीजन था वो एक वीक के बाद अभी एक डिसीजन में आ गया, तो बस वही लॉजिक है। दूसरा कि ये स्ट्रेटेजी तभी काम अच्छी तरह से करेगी जब कोई एक प्रिवेलिंग अप ट्रेंड और प्रिवेलिंग डाउन ट्रेंड में ये दोजी प्लस उसकी एडिशनल कैंडल बन रही हो। इसके लिए मैंने इस स्ट्रेटेजी का नाम क्या रखा, दोजी प्लस, मतलब दोजी के साथ में एक और कैंडल अपने को चाहिए। तो यहां पे पहले एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको कि क्या हो रहा है। अगर लेटेस्ट देखा जाए तो लेटेस्ट कोई ट्रेंड है नहीं, अपने को पता है कि निफ्टी कब से कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसलिए देखो ये पूरा ट्रेंड ही यहां पे नहीं है, यहां पे ट्रेंड ही नहीं है। हालांकि यहां पे ट्रेंड है, ये देखो ये बेसिक प्राइस एक्शन का कांसेप्ट है कि ट्रेंड दिख रहा है आपको, जहां पे ट्रेंड नहीं दिख रहा होगा कंसोलिडेशन में दोजी कैंडल ज्यादा आएगी। देखो एक दो तीन चार, चार कैंडल आ चुकी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे कि ये दोजी कैंडल है तो वो मैं मार्क कर लूंगा, हाँ पूरे वीक निफ्टी मूव नहीं हुआ है, ठीक है, सिंपल दोजी कैंडल के भी ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हैं, पर ये तो एक एडिशनल स्ट्रेटेजी भी है। अब दूसरी कैंडल भी दोजी कैंडल आई ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो वेट करो, और तीसरी कैंडल भी दोजी आई तो वेट करो, और बाद में ये कैंडल है उसका ब्रेकआउट अपने को ये कैंडल में चाहिए, तो जो अभी तक अपने को मिला नहीं है। तो ये डिसीजन होता है और थोड़ा सेफ्टी वाला प्ले होता है। अगर दूसरी कैंडल दोजी आती है तो वेट करो, तीसरी भी आती है तो वेट करो। अब यहां पे जैसे दोजी कैंडल थी, समझ रहे हो, उसके बाद वाली कैंडल देखो, ओ उसके बाद वाली कैंडल ने छोटा सा नीचे ब्रेकडाउन देखे, बाद में ऊपर चला गया था। तो यहां पे बेशक अगर पोजिशन लिया होता तो थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, आई डोंट नो कि इंट्राडे में अगर आप पोजिशन ले रहे हो या तो फ्यूचर में पोजिशन ले रहे हो, थोड़ा बहुत मुश्किल समय था हमारे लिए, ठीक है। फिर ये देखो ये दोजी है, थोड़ी सी कितना परसेंटेज है, 1% है, 1.5%। उसके बाद ये कैंडल हुई और उसने सीधा नीचे का दे दिया मूवमेंट अपने को, समझ रहे हो। और इसके बाद जब ट्रेंड होता है, देखो ये दोजी कैंडल है, उसके बाद उसकी बाजू वाली कैंडल देख लो, स्पिनिंग कैंडल, और उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये सेंटिमेंट्स होते हैं ना, उसका फाइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिर ये तो देखो ये दोजी कैंडल है, उसके बाद अच्छी खासी एक बड़ी कैंडल और वो ऊपर जाके फटी, ठीक है ना। ये दोजी कैंडल, उसके बाद स्पिनिंग कैंडल और स्पिनिंग कैंडल इस तरह से फटी। ये सिर्फ लॉजिक है, इसमें आप जितना टेस्ट करना हो ना आप कर लो, इसके बेस पे आप इंट्राडे में भी मूवमेंट ले सकते हो,
समझ लो, दो जी कैंडल है, फिर कोई कैंडल बनी और वो कैंडल ऊपर की साइड गई, तो आप इंट्राडे के मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो, आप पोजिशनल कैप्चर भी कर सकते हो, आप ऑप्शन में भी इसकी पोजिशन ले सकते हो आराम से, एक लोट दो लोट तीन लोट बहुत अच्छा पैसा कमा जाओगे। मैं ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव कर रहा हूँ, इसलिए कोई फिगर नहीं बता रहा हूँ, पर आप इसको टेस्ट करके देखो, आपको मजा आएगा। इंट्राडे में जो ब्रेकआउट हो रहा है ना वो भी देखने को मजा आएगा, जो सेंटिमेंट होगा ना, सेंटिमेंट कि अब बायर के हाथ में मार्केट जा रहा है या तो सेलर के हाथ में मार्केट जा रहा है, वो भी आपको एकदम मजा आएगा। एक दो और चीज देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा दोजी कैंडल जैसा, मतलब पूरा वीक में मार्केट सिर्फ 1.4% ही मूव कर सका, ठीक है, मैं उस हिसाब से देखता हूँ। और बाद में ये कैंडल आई और ये कैंडल ने अपसाइड मूवमेंट दी, तो देखो कितनी बड़ी मूवमेंट दे दी, देखा, यहां से अगर गिना जाए तो पूरा एक ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लिया, समझ रहे हो। फिर ये दोजी कैंडल थी, ये कैंडल बहुत बड़ी आई, पर फिर बाद में ब्रेकआउट यहां से अपने को मिला, तो भी अपने काम कर सकते थे। तो ये काफी सारी चीजों में बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करता है। हाँ, अपने को कुछ कुछ केसेस में 20-25 केसेस में फिक्स लॉस लेना पड़ेगा, तो वो तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो तो लॉस मैनेजमेंट का पार्ट है, नो लॉस स्ट्रेटेजी होती नहीं है दुनिया में। जो लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से पैसा कमा के आते, या तो कमाते वो कभी कमाए भी होंगे। एक ही चीज याद रखनी है, दोजी के प्लस जो कैंडल है वो उसका वेट करो, मतलब एक वीक तो ये खत्म हो गया, दूसरे एक वीक की वेट करनी है। अब इसके बेस पे क्या होगा बताए, ये एक स्ट्रेटेजी तो है, पर स्ट्रेटेजी के अलावा आपको मार्केट कहाँ जा रहा है, उसका सेंटिमेंट क्या है, वो पकड़ने में भी प्राइस एक्शन में भी आपको हेल्प करेगा। और कुछ काफ़ी सारे जो बड़े स्टॉक है, जो 1000 रुपीज के अप है, 1500 के अप है, वो स्टॉक में भी आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हो। मैं प्राइमरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में इसको आपको प्रीफर करता हूँ। तो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी आप प्रैक्टिकली टेस्ट करके मेरे को क्वेरी पूछोगे, ना कि ऐसे ही आप रैंडम क्वेरीज डाल दोगे या तो कमेंट कर दोगे। और कभी भी आपको फिर भी क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल या तो व्हाट्सअप कर लेना, नो डाउट मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प करूंगा। स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे या तो ऐप डाउनलोड करोगे, मेरी एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ पे 1,00,000 रुपये के कोर्सेज फ्री रखे हुए हैं। अब मार्केट में देख लो, ऐसा कोई सिखाएगा भी नहीं और 1000 रुपये चार्ज कर लिया। बाद में अगर इच्छा हो तो कोर्सेज सेक्शन में जाके स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक कोर्सेज डाले हुए हैं कि इंट्राडे की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, ऑप्शन में पोजिशन स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी, ऑप्शन में इंट्राडे स्ट्रेटेजी, उसके भी सब कोर्सेज कर सकते हो जब आप सीरियस हो पैसा बनाना चाहते हो। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।